बात करेंगे अब श्रद्धा मर्डर मामले की, जिसमें कल आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। 50 से ज्यादा सवाल आफताब पर दागे गए, जिसमें उसके पेरेंटल बैकग्राउंड से लेकर उसके दोस्तों के बारे में, श्रद्धा से उसकी रिलेशनशिप के बारे में, ये तमाम सवाल पूछे गए। लेकिन आफताब को बुखार होने की वजह से आज ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या आज भी सवालों का ये सिलसिला पॉलीग्राफ टेस्ट में जारी रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है उसे पूरी तरीके से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब ये पॉलीग्राफ टेस्ट संभव हो सकता है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कह रहा है आफताब का मेडिकल टेस्ट, क्या वो फिट है आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए? देखिए, कल रात जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो उस समय उसको हल्का सा फीवरिश था वो, और उससे पहले जब वो यहाँ पर लाया गया था तब भी उसका ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन थोड़ी देर के बाद, करीब 35 मिनट के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया गया। ऐसे में आज भी जब भी यहाँ पर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो पहले मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्या फीवर तो नहीं है, और सब कुछ सही होने के बाद, मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होने के बाद ही उसको पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक और बात भी है नेहा, क्योंकि तीसरा दिन हम कहेंगे, तीसरी बार अगर आता है आफताब यहाँ पर, तो ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अब तक सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब क्या सेटिस्फाइड करने वाले थे या फिर नहीं थे। और कल जब आफताब से लगातार बातचीत की जा रही थी तो ऐसे में कई बार आफताब ने उन बातों को रिपीट नहीं किया जो उसने पहली बार में जवाब दिए थे। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए मशक्कत या दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, और शायद यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट को और ज्यादा सही तरीके से करने के लिए तीसरी मर्तबा भी जो है वो आफताब को यहाँ पर लाया जाएगा और वही क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी जो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार में रिपीट करने के प्रावधान के तौर पर किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात भी रहेगी कि तमाम सवालों के जवाब जो आफताब दे रहा है उसमें कहा जा रहा है एफएसएल के सोर्सेज के द्वारा कि जब भी उससे सवाल पूछा जाता है हिंदी में तो उसका जवाब इंग्लिश में आता है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि वो वन लाइनर या टू लाइनर ही जवाब दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझा रही हैं कि यह पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया फिलहाल थोड़ी लंबी खिंचती नजर आ रही है। अमूमन ये होता है कि दो दिन के अंदर यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है, लेकिन आफताब के केस में यह तीसरे दिन तक पहुंची है। कल भी करीब 9 घंटे तक आफताब जो है एफएसएल में रहा, पहले दिन भी करीब 3.5 घंटे रहा, और अगर आज आता है तो आज भी यह प्रक्रिया लंबी चलेगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है क्या वो मेडिकल फिट है, अगर एग्जामिन किया जाएगा और उसमें सब कुछ सही रहता है तभी आज उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है। जी, कल किस तरीके के सवाल वरुण उससे किए गए, उससे कोई जानकारी हासिल हुई या फिर नहीं हुई, या फिर एक तरीके से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर नहीं आता हुआ दिख रहा है, इस पॉलीग्राफ टेस्ट से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है और शायद अब फर्दर टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत ही शातिर तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब अपने आप को बैठा के बैठा हुआ है। लगातार जब भी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है जब आप एग्जामिन करते हैं मेडिकल, उसके बाद करीब 20 या 25 मिनट जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ आपको बैठना पड़ता है, वहां पर बातचीत करनी पड़ती है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया में आपको जाना पड़ता है। तो बहुत ही आसानी से जो है वो आफताब इस प्रक्रिया से गुजरता है, उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट में बैठता है, और जब भी उससे सवाल पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से वो जवाब दे रहा है, लेकिन बहुत समझदारी के साथ, एक या दो लाइन के साथ। यानी सीधे तौर पे हम कहें ये टेक्निक जो अपनाता है वो बेहद शातिर अपराधियों की कैटेगरी में आता है। एफएसएल खुद ये मान के चल रहा है कि आफताब से सवालों के जवाब निकालना निश्चित तौर पे इसलिए परेशानी वाले हैं क्योंकि आफताब कई बार कई चीजों को रिपीट करता है और कई बार नहीं करता है, कई बार मुस्कुरा देता है, कई बार जो है वो हिंदी के आंसर इंग्लिश में देता है, कई बार एक या दो लाइन के आंसर दे रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया में ये तमाम जो शातिरपना आफताब दिखा रहा है, शायद यही वजह है कि तीसरे दिन भी उसको यहाँ पर लाया जाएगा और तीसरे दिन भी वही सारे सवालों को रिपीट किया जाएगा जो पहले और दूसरे दिन किए जाए हैं। एक और सवाल उठता है कि आखिर आफताब ने अब तक जो जवाब दिए हैं उससे कितना दिल्ली पुलिस सेटिस्फाइड है या नहीं। वरुण, आप नजर बनाए रखिए, ये केस दिन पर दिन उलझता ही जा रहा है और तमाम जो जवाब दिए जा रहे हैं इस वक्त आफताब की ओर से वो पुलिस को और ज्यादा उलझा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और मामला जो पुलिस को उलझा रहा है फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर एक सूटकेस में शव की बरामदगी हुई है और इस पूरे मामले से उस इलाके में सनसनी फैल गई। जहां इस सूटकेस को पाया गया वहां इस वक्त अब पुलिस तमाम सबूतों को तलाश रही है कि आखिरकार किसने
ये सूटकेस वहां छोड़ा होगा। अब बात मनीष सिसोदिया की करेंगे, दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन इन्होंने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है और आरोप ऐसा वैसा नहीं बल्कि हत्या की साजिश का है। मनीष सिसोदिया एक ट्वीट के जरिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रही है और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप सांसद मनोज तिवारी पर लगाया है। इस पूरे मामले में अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर से संज्ञान लेने के लिए कहा है। तो ट्वीट के जरिए ये आरोप लगाया गया है। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर यह लिखा है कि सांसद मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची है और इस पूरे ट्वीट को देखते हुए अब एलजी ने पुलिस कमिश्नर को संज्ञान लेने के लिए कहा है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कोई ऐसा वैसा आरोप तो है नहीं, सीधे तौर पर हत्या की साजिश का आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शंस में अब कुछ भी बाकी ऐसा रह नहीं गया अमित जो ना हो। पहले तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे भ्रष्टाचार को लेकर और अब हत्या की साजिश। बिल्कुल सही कह रही है नेहा। अब जैसे जैसे एमसीडी चुनावों की तारीख करीब आती जा रही है, दिल्ली में जो राजनीतिक लड़ाई है वो कहीं ना कहीं वो एस्केलेट हो रही है और हर दिन एक नया रूप ले रही है। हमने देखा किस तरह से पहले स्टिंग्स आए, अलग अलग तरह के वीडियोस लीक किए गए, विधायकों के पिटाई का भी वीडियो सामने आया, तो पार्षद कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई के वीडियो आए और अब ये सबसे बड़ा आरोप संभवतः अभी तक एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली में लगाया जा रहा है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है और इसका आरोप, इसके लिए निशाना वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर साध रहे हैं। साथ ही ये पूरा का पूरा बवाल नेहा इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली के और सांसद हैं दिल्ली से, उन्होंने ये चिंता जताई थी कि जिस तरह से लोगों में गुस्सा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है टिकट बंटवारे को लेके और चाहे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेके, उसकी वजह से और जिस तरह से उनके विधायकों की पिटाई हो रही है उसकी वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेके उनको चिंता है। और इसी बयान के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक अग्रेसिव रुख अपनाया और मनीष सिसोदिया सीधा निशाना साध रहे हैं इस वक्त बीजेपी पर, मनोज तिवारी पे। और नेहा, संभवतः आज के दिन, अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे आज का दिन बढ़ेगा हम ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है इस मुद्दे पे लेके और आरोपों को सब्सटेंशिएट करने के लिए कई सारे तर्क दे सकती है। देखना यह होगा कि बीजेपी असल में अपने बचाव में, मनोज तिवारी अपने बचाव में क्या कहते हैं। नेहा, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि एमसीडी चुनाव से एंड पहले इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है वो दिल्ली की पावर पॉलिटिक्स को अपने चरम पर ले आया है।